सो हेलो गाइज, मैं रुफ़ जॉनसन और आज मैं बताने चाह रहा हूँ आपको एक छोटी सी एक प्यारी सी कहानी। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे और ठीक होंगे। अगर नहीं हो तो यार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको एक कारण दूंगा कि आप। इटली के एक शहर में एक छोटे से शहर में एक हॉस्पिटल था। वहाँ पे 93 साल का एक बुजुर्ग आदमी आया। अब वो आदमी आया तो वहाँ पे उसको कोरोना था, और ये कोरोना के बीच की कहानी है छोटी सी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो वहाँ 93 साल का ये बुजुर्ग आदमी आया, उसको हॉस्पिटल में रखा कई दिनों तक, वहाँ वो था, और फिर अचानक उसको सीरियस हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि भाई अब दुआ करो कि आपको वेंटिलेटर मिल सके, आप प्रे करो कि आपको वेंटिलेटर मिल सके, तो हो सकता है कुछ हो। तो अचानक वो आदमी रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगी और वो फूट फूट कर रो रहा था। तो डॉक्टरों ने पूछा यार आप पैसों की, डॉक्टरों ने उससे पूछा, मुझसे बोला कि यार आप पैसों की फिक्र मत करो, बस आप प्रे करो, हमने बोला ना हम आपको ठीक कर देंगे, पैसों की टेंशन मत करो, बस आप अभी फिलहाल ये दुआ करो कि आपको एक वेंटिलेटर मिल सके। तो आदमी ने कहा यार मैं इसलिए नहीं रो रहा कि यार मेरे पास उस वेंटिलेटर के पैसे या आपके हॉस्पिटल के खर्चे चुकाने के लिए पैसे नहीं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि यार मेरे पास, मैं पिछले 93 सालों से सही से चल फिर रहा था, ये जो सांस ले रहा था वो सब मैं ले रहा था, और आज एक दिन मैं जब हॉस्पिटल में पड़ा हूँ तो मेरे को इसके लिए 5,000 यूरोस देने पड़ रहे हैं सिर्फ एक दिन के वेंटिलेटर के खर्चे के लिए। तो उसने कहा कि यार मेरे को खुदा ने कितना कुछ दिया है यार, बीते 93 सालों में जब भी मैं सांस ले रहा था, खुदा की जो सांस ले रहा था, कभी मैंने खुदा को उस चीज़ के पैसे नहीं दिए या कभी खुदा ने मेरे को उससे उसके बदले में कोई चीज़ नहीं मांगी, लेकिन आज जब मैं इस हॉस्पिटल में पढ़ा हूँ और एक दिन के लिए मेरे को जो वेंटिलेटर है सांस की ज़रूरत है, तब मेरे को उसके लिए 5,000 यूरोस देने पड़ रहे हैं। तो डॉक्टरों और नर्सों की आंखों में आंसू आ गए, और ये कहानी कितना कुछ गहरा कह जाती है यार। देखो ना यार, पीछे अभी पिछले कुछ दिनों से जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और हमने कहीं जगहों पर ये न्यूज़ सुना कि यार लोगों की डेड बॉडीज जलाने तक की जगह ही नहीं थी, हाँ, और कहीं सारे लोगों ने, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहीं सारे लोगों ने अपने अपनों को खो दिया यार उन कोरोना के बीच में, और हमें लगता है कि यार हमारी लाइफ अभी भी कुछ कमी है हमारी लाइफ में। वो ऐसा क्यों है मैं ये तो नहीं बताता, और ये मैं जानता भी नहीं हूँ। कई सारे लोग सोचते होंगे कि काश मेरे पास थोड़ा सा और पैसा होता, कई सारे लोग सोचते होंगे कि काश मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े होते, कई सारे लोग सोचते होंगे कि काश मेरे पास अच्छे दोस्त होते, लेकिन क्या अभी हमने सोचा कि जो कुछ हमारे पास है, क्या कभी हमने उस चीज़ के लिए खुदा को थैंक्स कहा है? क्या कभी उस चीज़ के लिए खुदा को ये कहा है कि खुदा तेरी शुक्रिया यार, तुझे बहुत बहुत शुक्रिया कि तूने मेरे को इतने सारी चीज़ों से नवाजा है, और मैंने हालांकि इन चीज़ों को कभी तेरे लिए शुक्रिया नहीं कहा, एक मौका नहीं दिया कि तेरे को शुक्रिया कह सकूं। आज जब कंट्री इतना कुछ फेस कर रही है, कहीं सारे लोग इस कोविड के बीच में कितनों ने अपनी जान गंवा दी, जब आज ये कोविड आया और इस कोविड ने हमें क्या क्या नहीं सिखा दिया कि हम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज तक हमने उस चीज़ का कभी गॉड को थैंक्स कहा। अगर आपने कहा है तो यार इतनी अच्छी बात है और कहना भी चाहिए, लेकिन हम में से कितनों ने इस चीज़ को कभी जिक्र किया ही नहीं। हम अपने रुतबे, हम अपने उस घमंड में जी रहे हैं कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरा कौन क्या उखाड़ लेगा। लेकिन दोस्त, हम जानते हैं कि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है, हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि यार खुदा ने जो दिया वो तो यार कितनी बड़ी मेहरबानी यार। हो सकता है हमें से कितनों ने यार अपने दोस्तों को खो दिया, कितनों ने क्या कुछ नहीं खो दिया, और आज अगर हम जिंदा हैं तो यार हमारी गलतियों के बावजूद भी खुदा कह रहा है कि यार एक मौका और दिया है उसने कि हम इस चीज़ को समझ सके। तो यार मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि यार हम हर एक चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में ये कितना अहमियत रखती है, हमें इस चीज़ के लिए खुदा को कितना थैंक्स कहना चाहिए, ये तो यार आप समझ ही चुके होंगे। यार क्यों ना हम उस चीज़ के लिए खुदा को थैंक्स दें, क्यों ना हम उस चीज़ के लिए खुदा को कहें कि यार खुदा तेरा शुक्रिया यार, इतने दिन से जो मैं कर रहा था उन सब चीज़ के लिए शुक्रिया, तूने मेरे कितने बुरे वक्त पे तूने मेरी सहायता की, तूने मेरी मदद की, तो उन सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया कहने का। और अगर यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपको फेवरेट पार्ट या जो भी आपको अच्छा लगा, जो आपको बुरा लगा वो मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं उस चीज़ को जरूर ध्यान दूंगा, उस चीज़ पे जरूर काम करूंगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।